फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा कॉमन डाटा क्वेश्चन है जो कि गेट 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 3D पोटेंशियल वेल से लिया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको एक पार्टिकल दिया हुआ है जो कि एक क्यूबिकल वेल में है जिसकी विड्थ एल है। मतलब इसमें हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि क्यूबिकल वेल में या क्यूबिकल बॉक्स में रखा हुआ है जिसकी विड्थ एल है। तब हमको इसके लिए पहले पार्ट में थर्ड और फोर्थ लेवल की एनर्जी का सम फाइंड करना है। मींस पहले पार्ट में हमको थर्ड और फोर्थ एनर्जी लेवल का सम फाइंड करना है और दूसरे क्वेश्चन में हमको फोर्थ लेवल की डिजनरेसी फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा और गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं जो हमारा क्या एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यूबिकल बॉक्स में, वो हमारे पास ये होता है E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यूबिकल बॉक्स में। अब हमको क्या फाइंड करना है, थर्ड और फोर्थ लेवल की एनर्जी का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई हुई है, तो आप इस फिगर को देखिए, ये हमारे पास क्या है, लेवल है और ये मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी है। मैंने इसके ऊपर पहले से 2 वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेवल होते हैं और ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी होती है। अब हमसे वो क्या कह रहा है, थर्ड और फोर्थ लेवल की एनर्जी को एनर्जी का सम कह रहा है। तो देखिए, ये हमारे पास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो लेवल 3 हमारे पास ये है और लेवल 4 हमारे पास ये है। लेवल 3 की एनर्जी कितनी है हमारे पास 9E0 और लेवल 4 की एनर्जी कितनी है 11E0। तो हमारे पास ये हो जाएगा E इज इक्वल टू थर्ड लेवल प्लस फोर्थ लेवल, और थर्ड लेवल की एनर्जी कितनी है हमारे पास 9E0 और फोर्थ लेवल की एनर्जी कितनी है हमारे पास 11E0। तो ये कितना हो गया हमारे पास 20E0। इसको हम क्या बोलते हैं, E0। मैंने आपको बताया है ये हमारे पास E0 होता है। तो E0 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा 20। ये हो गया एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। इस 2 से ये 20 कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 10H² पाई स्क्वायर अपॉन ml²। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। तो ए बी द राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है, ए। अब हमको डीजनरेसी फाइंड करनी है फोर्थ लेवल की। तो फोर्थ लेवल की डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, देखिए ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये हमारे पास क्या होती है, डीजनरेसी। ये हमारे पास डीजनरेसी है, पहले लेवल की डीजनरेसी कितनी है 1, दूसरे लेवल की डीजनरेसी कितनी है 3, तीसरे लेवल की डीजनरेसी कितनी है 3, फोर्थ लेवल की डीजनरेसी कितनी है 3, फिफ्थ लेवल की डीजनरेसी 1 और सिक्स्थ लेवल की डीजनरेसी 6। तो फोर्थ लेवल की डीजनरेसी कितनी है 3। तो 3 बी द राइट आंसर। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर क्या है, सी। इसका राइट आंसर ए और इसका राइट आंसर है सी। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि डीजनरेसी होती क्या है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूले में एनएक्स का स्क्वायर एनवाई का स्क्वायर और एनजेड का स्क्वायर आ रहा है। तो मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं इन लेवल्स के जिससे मैं ये एनर्जी बना सकूं। तो देखिए अब हम एन इजिकल टू 1 लेते हैं। एन इजिकल टू 1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमारा एनएक्स भी 1 होगा, एनवाई भी 1 होगा और एनजेड भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी ग्राउंड स्टेट की, वो कितनी आ जाएगी 3E0। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी कितनी होती है 6E0। ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जिससे कि मैं एनर्जी 6E0 बना सकूं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं 1, 1, 2। अगर मैं यहाँ पे एनएक्स की जगह 1, एनवाई की जगह 1 और एनजेड की जगह 2 पुट करूं तो ये हो जाएगा 1+1+4, कितनी आ गई मेरे पास 6। तो ऐसे मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन है। मैं 1, 1, 2 लिख सकता हूँ, मैं 1, 2, 1 लिख सकता हूँ, मैं 2, 1, 1 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन है और इसी 3 कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलता हूँ, डीजनरेसी बोलता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एन इज इक्वल टू 2 है, वो जो एन इज इक्वल टू 2 लेवल है उसमें कितनी स्टेट है, 3 स्टेट है। मीन्स ये अगर मेरे पास एन इज इक्वल टू 2 लेवल है, सपोज ये एन इज इक्वल टू मेरे पास 2 लेवल है,
तो इसके पास तीन स्टेट हैं, मतलब इसके पास क्या है, तीन स्टेट हैं। पहली स्टेट है 112, दूसरी स्टेट है 121 और तीसरी स्टेट है 211। और इन सभी की एनर्जी कितनी है, 6E0। ये हमारे पास क्या है, इन सब की एनर्जी कितनी है, 6E0। तो n इजिकल टू 2, मेरे पास कितना है, 1, 2, 3, यानी कि तीन स्टेट है, और उन सभी तीन स्टेट की एनर्जी कितनी है, 6E0। तो इसी को हम बोलते हैं डीजनरेसी। इसी तरीके से n इजिकल टू 3 के लिए निकाल लेंगे, n इजिकल टू 4, लेकिन n इजिकल टू 5 में देखिए, n इजिकल टू 5 के लिए एनर्जी कितनी है, 12E0। तो ऐसे मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन है जिससे मैं 12E0 बना सकूं, यानी कि NH, NY और NZ की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए मेरे पास 12E0 एनर्जी आ सके। तो देखिए केवल एक ही कॉम्बिनेशन है, अगर यहाँ 2 पुट कर देंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 12। तो n इजिकल टू 5, यानी कि n इजिकल टू 5 लेवल के लिए केवल एक ही कॉम्बिनेशन है जिससे हमको 12E0 एनर्जी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं अपने n इजिकल टू 6 लेवल के लिए। तो n इजिकल टू 6 लेवल के लिए एनर्जी देखिए कितनी है, एनर्जी है 14E0। 14E0 का मतलब क्या हुआ कि मेरे को NX, NY और NZ के ऐसे कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे मेरी 14E0 एनर्जी बन सके। तो वो कॉम्बिनेशन है मेरे पास 1, 2, 3। अब मैं 1, 2, 3 को क्या लिख सकता हूँ, 1, 3, 2 लिख सकता हूँ, 2, 1, 3 लिख सकता हूँ, 1, 3, 2 लिख सकता हूँ। ऐसे करके मेरे पास 6 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो इसकी डीजनरेसी कितनी हो गई, 6। इसका मतलब यह है कि n इजिकल टू 6 लेवल जो है उसमें 6 स्टेट्स हैं, और उन्हीं सभी 6 स्टेट्स की एनर्जी कितनी है, 6 और 14E0 है। तो यही होता है हमारे पास डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट। तो ये था आज का हमारा वीडियो, थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूं बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डॉट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसन वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पर अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।